सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नई गेम सुल्तान की ब्रांड न्यू वीडियो में। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर की नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में। कुछ इस तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम आती है फ्री फायर में, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख नहीं सकते, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फ्री फायर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी कोई भी नेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेट और आपकी यूट्यूब की वीडियो एकदम 4K में चल रही है। लेकिन जब भी आप फ्री फायर स्टार्ट करते हो तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन लिखा आता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम कनेक्शन। तो ये क्या है नेटवर्क एरर, आपको आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। हर चीज़ आपकी सबसे फास्ट चलती है लेकिन फ्री फायर गेम ही क्यों नहीं चल पाता, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फ्री फायर गेम खोलता हूँ तो इस तरह का मुझे ऑप्शन दिखाई देता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर लिखा आ चुका है। मेरा नेट सही है, एकदम वाईफाई भी सही है, लेकिन जो कनेक्शन है वो नेटवर्क एरर कनेक्शन आ रहा है। सो आप देख सकते हैं मैं दोबारा से साइन इन विद फेसबुक करने की कोशिश करूँगा तो ये दोबारा से ऑप्शन आ गया है। सो इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी सेटिंग ऑप्शन पर चलते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं। सो दोस्तों मैं अपनी यहाँ पर सेटिंग खोल लेता हूँ, ये रही मेरी सेटिंग। ओके सो यहाँ पर और फिर हम ऐप्स वगैरह ढूंढेंगे कि किस में ऐप्स होती हैं। आपके मोबाइल में अलग फंक्शन होगा, मेरे मोबाइल में अलग फंक्शन है और मैं इसका भी अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन ये रहा मेरे ख्याल से, मैं आपको भी दिखा दूंगा। ये दूसरा मोबाइल है, आप कोई भी ऑप्शन हो या ऐप्स का होगा या एप्लीकेशन का होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा ऐप्स का ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आपको फ्री फायर अपना गेम ढूंढना है कि कहाँ पर है फ्री फायर। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे और आप देख सकते हैं ये रहा मेरा फ्री द फायर गेम और ये ढूंढ लिया। और फिर आपको मोबाइल डाटा कनेक्शन में जाना है, ये जो ऑप्शन होंगे बैटरी स्टोरेज मेमोरी का, आपको मोबाइल डाटा में जाना है। और फिर यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होगा कि अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूसेज, इसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप ऐसा है कि डिसेबल मोबाइल डाटा यूसेज तो उसको आपको ऑफ कर देना है, ऐसा ऑप्शन है तो उसको आपको ऑन रखना है। आपकी जो नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है वो इसी की वजह से आ रही है। और आपको सेटिंग में जाकर आपको अपना ऐप्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप फ्री फायर पर क्लिक कर आपको यहाँ पर फ्री फायर पर लॉन्ग प्रेस करना है एप्लीकेशन पर, आपके मोबाइल में एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पर फिर आपको जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली आ चुके हैं और मोबाइल डाटा में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल बैकग्राउंड डाटा ऑन है या ऑफ है। अगर वो ऑफ है तो आपको ऑन कर देना है, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मैं रिसर्च करूंगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, और हम इसका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के कंटेंट को पाने के लिए देखते रहिए गेमिंग सुल्तान। थैंक यू।